सवाल है पर मोहम्मद अली शाह साहब आपसे, आपको क्या लगता है धमकी भरे इस माहौल में अटैक होगा क्या? इसराइल अब तक खामोश है, वक्त और जगह वो चुनेंगे ये बयान जरूर दिया है, अटैक किस तरह का होगा ये वासे नहीं। जी, बड़ा अच्छा सवाल है आपका शब्द जी। देखिए, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, और जो बरसते हैं वो गरजते नहीं। आप बोलेंगे हम धमकी देंगे, हम हमला करने वाले हैं, अगर कर दो, अगर करना है तो बिना बताए कर दो। अगर आपका मकसद ये है हमला करने का, नुकसान बचाने का, आप खामोशी से चुपचाप आओ और हमला कर दो। आप जब बोलोगे तो यानी कि आप प्रेशर टैक्टिक्स का इस्तेमाल कर रहे हो, आप धमका रहे हो। शायद हो सकता है कि अगर आप धमकाओगे तो जो भी धमकाएगा हो सकता है वो असल कार्रवाई ना करे। अब इसराइल ने बोला है कि जो ईरान ने जो अटैक किया था उसका वो बदला लेंगे अपने तरीके से। जगह उनकी होगी, समय उनका होगा, तरीका उनका होगा। मुझे ये लगता है कि इसराइल चुप तो नहीं बैठेगा, इसराइल वापसी कार्रवाई करेगा। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन भी है, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। लेकिन कैसे करेगा? ऐसी चलाकी से करेगा कि सबूत नहीं छोड़ेगा कुछ भी, कि क्योंकि अमेरिका होने भी नहीं देगी नॉर्मल लेक का, ये बढ़ जाएगा एक अटैक। तो जैसे कि फर्ज करिए 17 सितंबर को एक साइबर अटैक हुआ था जहां पे पेजर वॉकी टॉकी को हैक करके उनको उड़ाया गया था। हालांकि कोई सबूत आया नहीं है कि ये हमला किसने किया था, और इसराइल ने भी ये बात कबूल नहीं करी है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी ये, या एक जैसे कि ईरान के सदर थे, उनका एयर क्रैश में उनको मारा गया था, इब्राहिम रेसी को। कोई सबूत नहीं है कि इसराइल ने किया, ना इसराइल ने ऐसा बोला, लेकिन लोगों का मानना यह है कि हो सकता है ये हमला इसराइल ने ही किया हो। तो उस तरीके से इसराइल अटैक ऐसा करेगा कि जैसे कि खामोशी से अटैक करेगा। फिर अभी हाल ही में, अभी हमने यहाँ पे जुड़ने से पहले खबर मेरे पास आ रही थी कि इसराइली फोर्सेस ने एक मस्जिद पे सेंट्रल गाजा पे हमला किया है, जहां पे 21 फिलिस्तीनी मारे गए हैं और दर्जनों घायल हुए हैं। जब मिलिट्री ने ऑर्डर किया था कि भाई आप यहां से जगह खाली कर दीजिए, तो एक जो फ्रेश वेव ऑफ अटैक्स आया था वहां पे सदर्न सबर्ब्स बीरूट के, वहां पे जो भी आसमान है वो पूरा आतिशबाजियों से भरा हुआ था। और लेबनी सिक्योरिटी फोर्सेस ने बताया था कि जो हाशिम सैफुद्दीन है, जो कि वाइडली जाने जाते हैं कि हिजबुल्ला के अगले चीफ नेक्स्ट लीडर इन लाइन, वो अभी उनसे सब कोई संपर्क अब तक कुछ हो नहीं पाया है ऐसे करके। फिर हजारों तक की तादाद में लोग उतरे प्रोटेस्ट करने के लिए पेरिस से, न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क केप टाउन, वहां पे ये बोलने के लिए कि जो इसराइल का जो युद्ध है गाजा के ऊपर ये समाप्त होना चाहिए। बहुत लोग मारे गए हैं, 41,870 लोग मारे गए हैं गाजा पट्टी में, 97,166 लोग, ये आंकड़े मेरे पास आए थे, ये घायल हुए हैं इजरायली हमले से। तो बहुत लोग सड़कों पे हैं कि ये हमले अभी फिलहाल यहाँ पर एक युद्ध विराम लगा देना चाहिए, एक सीज फायर होना चाहिए यहाँ पे। जी शबनम जी, जी के पैटर्न को समझने की कोशिश करते हैं मेजर मोहम्मद अली शाह साहब आपसे। इस जंग का पैटर्न हम देखते हैं जहां ईरान के प्रॉक्सी हिजबुल्ला होती और इसके साथ ही हमास को बताया जाता है, हमास से जंग शुरू होती है। जैसे कि मैंने कहा कि कल 7 अक्टूबर है, इस जंग को पूरा एक साल हो जाएगा। अब ये लेबनान होते हुए ईरान तक पहुंच रही है। दूसरी तरफ हम देखते हैं इसराइल अकेले इस जंग को नहीं लड़ रहा है, अमेरिका और दीगर जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो इसराइल को मदद कर रही है। अमेरिका तो सीधे तौर पर इसराइल के साथ खड़ा हुआ है, उसे इस जंग में बढ़त दिलाने के लिए, हराने के लिए हमास को, हुतीस को, हिजबुल्ला को, यहां तक कि ईरान को भी। लेकिन अमेरिका भी सपोर्ट नहीं करता है कि इसराइल किसी न्यूक्लियर साइट के ऊपर अटैक करे। प्रॉक्सी का डेफिनेशन हम कैसे समझे इन दोनों के बीच में? जी हाँ, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल आपने पूछा शबनम जी। देखिए, प्रॉक्सी सबको समझाने के लिए मैं समझाता हूँ कि सबको पता होगा वैसे प्रॉक्सी क्या होती है। जैसे कि किसी के बदले में कोई, जैसे कि कॉलेज में या स्कूल में हम जब बदमाशी करते थे तो कोई और हमारे तरफ से प्रॉक्सी का अटेंडेंस दिया जाता है। तो हमारे दर्शकों को समझने के लिए, जैसे कि ईरान को ये युद्ध लड़ना था अमेरिका इसराइल के खिलाफ, तो फिर हौती, हिजबुल्ला या हमस का इस्तेमाल करके खामोशी से बैक सीट होके ईरान लड़ा था। अब ईरान फोर फ्रंट पे ही आ गया है जब ईरान ने हमला कर दिया इसराइल पे। अप्रैल के महीने में भी ईरान ने इसराइल के ऊपर एक हमला किया था, छोटा हमला, जहां पे इस बार 180 बैलिस्टिक मिसाइल दागे थे, तब 110 मिसाइल दागे थे सेंट्रल इकोनॉमिक जोन में, और 30 तो क्रूज मिसाइल थे इसमें से। और मगर नुकसान बिल्कुल नहीं हुआ इसराइल को,
ये भाई सिंबॉलिक हमला हुआ था क्योंकि सेंट्रल इकोनॉमिक जोन में वो मिसाइल गिरे थे। अब इस बार जब हमला किया ईरान ने तो अमेरिकन की मदद से और आयरन डोम की मदद से जो उनके पास टेक्नोलॉजी है इंटरसेप्ट हो गए थे, मगर अब वो डायरेक्ट आ गया है हमले के अंदर। तो प्रॉक्सी का मतलब ऐसे होगा जैसे कि ईरान ने ही तैयार किए वो लड़ाके, ईरान ने ही, अब वो डायरेक्ट आ गया है। और इसराइल, देखिए पहले तो इसराइल का निशाना था हमस, बल्कि 2020 में आपको ले आता हूं, मैं ज्यादा इतिहास में नहीं जाऊंगा, 2020 जो कि पैंडमिक के बाद, ये हर कोई यहां पे सुन रहा होगा रिलेट कर पाएगा, 2020 के बाद इसराइल के जो रिश्ते हैं अरब वर्ल्ड से कहीं ना कहीं किसी तरीके से नॉर्मलसी की तरफ आ रहे थे, ताल्लुकात उनके इंप्रूव हो रहे थे, जो कि 100 साल से लंबी युद्ध है। लेकिन क्या हुआ, तकरीबन पिछले 1 साल होने को आ रहा है, 7 अक्टूबर हमस से पहले से रमजान के महीने में जेरूसलम के अंदर मस्जिद के अंदर इसराइली डिफेंस फोर्सेस ने आके कुछ बदसलूकी करी थी। मेरा ऐसा निजी तौर पे मानना है कि चाहे सिनागोग हो, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, एक रिलीजियस स्थान को अपनी सैंक्टिटी उसकी होती है, उसको अपनी तरफ होना चाहिए। हमस ने कहा हम इसका बदला लेंगे, हमस ने तैयारी करके फिर 7 अक्टूबर को जो घटना करी वो बहुत ही बेहुदा, वाहियात और घटिया हरकत थी, और वो टेररिज्म की घटना थी। उनको कई मुल्क उनको टेररिस्ट का करार नहीं दिया था, लेकिन ये घटना जरूर 100%, इसमें तो कोई दो राय किसी की हो ही नहीं सकती है, ये दो राय टेररिस्ट घटना थी बिल्कुल। तो जी हमस ने ये अंजाम दिया। जी कंप्लीट कीजिए सर। जी अपनी तो अब अभी लेटेस्ट ये आया है कि देखिए खलीफा बेन जायद स्कूल है ये लेबनान के अंदर, और हमस, ऐसा इसराइली डिफेंस फोर्सेस ने बोला है कि हमस खलीफा बेन जायद स्कूल को इस्तेमाल कर रहा था प्लानिंग करने के लिए इसराइल और इसराइली डिफेंस फोर्सेस के ऊपर। तो उन्होंने, ये फॉर्मर स्कूल था, फॉर्मर स्कूल इसलिए क्योंकि तबाही मचा दी है इसराइल ने वहां पे, अभी तो कुछ बचा नहीं है कोई स्कूल, वो तो फॉर्मर स्कूल ही कहलाएगा ना वो। तो वहां पर उनका कहना यह है कि खलीफा बेन जायद स्कूल के ऊपर हमस प्लानिंग कर रहा, तो उन्होंने वो प्लानिंग के मुताबिक उनको वहीं भी प्रियम्प्ट करने के लिए यहां पर हमला बोला है। जी कैसे 5% जो है क्रूड ऑयल के दामों में इजाफा हुआ बाइडेन की एक बयान के बाद से उसका असर दिखना शुरू हो गया। अभी किसी तरह का हालांकि अटैक नहीं हुआ, उसके बाद की सूरत हाल क्या होगी अंदाजा लगाया जा सकता है। मेजर मोहम्मद अली शाह साहब, मेरा सवाल आपसे है, आपको क्या लगता है जो ट्रंप बाइडेन के बयान की मुखालिफत कर रहे हैं, ट्रंप क्या इसराइल को उकसा रहे हैं या फिर ये वोट बैंक की पॉलिटिक्स है? दोनों शिवम जी, दोनों, ट्रम्प साहब को वोट बैंक की पॉलिटिक्स तो करनी अच्छे से आती है, वो ही कर रहे हैं, और दूसरी बात इसराइल को भी उकसा रहे हैं। उनकी वोट बैंक की पॉलिटिक्स की वजह से इसराइल भी उनको और भड़कावा मिल रहा है। अब जो यूएन की एजेंसी है फॉर पैलेस्टीन रेफ्यूजीज, जो कि UNRWA कहलाती है, उसने एक एक्स फॉर्मली ट्विटर, उसके ऊपर एक ट्वीट डाली थी, मैंने कुछ टाइम पहले वो देखी थी, कि उन्हें बताया कि 4,300 डिस्प्लेस लोग हुए हैं, तो वो और भी शेल्टर्स डालने के लिए उनके लिए तैयार है बिल्कुल। और 20,000, जैसे कि वायलेंस डिस्प्लेट हो गई लेबनन के अंदर, तो 20,000 फेलिस्तीन रेफ्यूजी पॉसिबली वो डिस्प्लेस हुए हैं लेबनन से और इसराइली एयर स्ट्राइक की वजह से। तो इसराइल जो है, जो बल्कि अमेरिका का जो हाथ है, चाहे जो बाइडन हो चाहे प्रेजिडेंट ट्रंप हो, इसराइल को, उनको मालूम है कि इससे अगर इसराइल को और भड़कावा मिलता रहे तो अमेरिका का इन्फ्लुएंस वहां पर उस इलाके में रहेगा, और वो चाह रहे हैं कि अपना अमेरिकन इन्फ्लुएंस वहां पर रहे, तो इसलिए फिर इसराइल को भी वहां से और बढ़ावा मिल रहा है, इंकरेजमेंट मिल रही है। इसराइल दबादौड़ हमले कर रहा है, बिना बेरहमी से कत्लेआम कर रहा है वहां पे, और वो कह रहे हैं जो डिस्प्लेस हुए हैं उनके आंकड़े 1.9 मिलियन पीपल, और 90% वहां की जो पॉपुलेशन है वो के बिसी इनके, मतलब यहाँ के बिल्कुल, मतलब वहां पे बर्बादी 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 छाई हुई है वहां पे बिल्कुल, पूरे गाजा पर, और और ये प्रेजेंट बर्बादी अब्बास। अभी जारी रहेगी, कुछ इम्कान नजर आ नहीं रहे कि जंग बंदी हो और किसी तरीके से इस जंग को रोका जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए।